हेलो एवरीवन दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी योर साइंस बुक दैट इज राइज अप साइंस सीरीज ऑफ क्लास फाइव ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले पार्ट फर्स्ट को देखें देन जम ट्यू दिस वन पिछले वीडियो में हम एक्टिविटी टू तक के कंप्लीट कर चुके थे एंड नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉदर राइट सो हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी योर टॉपिक दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी हमने पिछले वीडियोज़ में टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी वर्क डन के बारे में बात करी एनर्जी के बारे में बात करी और फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के बारे में बात करी जिसमें मेकेनिकल एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी और भी कई सारे फॉर्म्स थे वो आप फर्स्ट वीडियो से में ज़रूर देख सकते हैं सो नाओ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ एनर्जी मतलब कहाँ से ये एनर्जी आती है इनके सोर्सेज क्या है वी गेट अनर्जी फ्राम मैनी सोर्सेज मीन्स बहुत सारे सोर्सेज हैं जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है द सन गिवस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट तो आप सबको पता है कि सूरज जो है वो क्या है दिस इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी और वो हमको हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है बल्बस फ़ैन्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस रन ऑन एलेक्ट्रिकल एनर्जी और जो हमारे घर में लाइट आती है जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो भी क्या है एनर्जी का एक फॉर्म है जिसके थ्रू क्या होता है जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस हैं वो उस एनर्जी से रन करते हैं आर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड और हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है जो हम खाना खाते हैं वी इट वी यूज़ अ वाइटी ऑफ अर्थ रिसोर्स बट नॉट ऑल ऑफ़ देम विल बी अराउंड अस फॉर अब जो अर्थ है जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं इसके हम बहुत सारे जो रिसोर्स हैं जो नियमतें हैं उसको हम यूज़ करते हैं लेकिन बहुत सी ऐसे रिसोर्स हैं जो हमेशा नहीं रहने वाले हैं सम ऑफ दीज आर रेन्यूएबल एंड सम आर नॉन रेन्यूएबल इसलिए जो भी रिसोर्स जो भी सोर्सेस अर्थ पर हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल चलिए आगे देखते हैं कि रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते होते हैं और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं दीज आर द रिसोर्स दैट आर रिप्लिनिश बाई द इन्वॉमेंट ओवर रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये वो रिसोर्स हैं जो नेचर जो है वो रिप्लिनिश कर लेता है मीन्स कवर अप कर लेता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज़रा से ही कम समय में उसको रिप्लैनिश कर सकता है दिस टाइप ऑफ रिसोर्स इज़ मच मोर डिज़ारेबल टू यूज़ बिकॉज द रेन्यूफ तो हम इन रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये फिर से जल्दी से बन सकते हैं सम एग्ज़ाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स आर द सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी उसका एग्जाम्पल है विंड एनर्जी एनर्जी अपटेन फ्राम द वॉटर रीन्यूएबल रिसोर्स कैन बी यूज रिपिटेड repeatedly because it is replaced naturally ये वो resources हैं जिनको हम use कर सकते हैं बिना किसी problem के क्योंकि ये वो resources हैं जो कुदरत अपने आप से replenish करती है और बहुत ही कम समय में short period में ये आ, means ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले resources हैं ये अपने आप में ही रनी हो जा होते रहते हैं जैसे सूरज की रोशनी या हवा से जो energy मिल रही है ये सब क्या हैं ये सब renewable resources हैं सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो सोलर एनर्जी क्या है इज़ द एनर्जी ऑबटेन फ्रॉम द हीट ऑफ द सन वो एनर्जी जो सूरज की गर्मी से हमको मिलती है दैट इज़ द सोलर एनर्जी ये कौन किस कैटेगरी में आता है रेन्यबल सोर्स में आता है बिकॉज द सन शाइन्स ऑल द टाइम क्योंकि सूरज आपको पता है कि उसकी एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है वो रेन्यूबल रिसोर्स है वो हमेशा है ही ऐसे चमकता रहेगा सोलर पैनल सोलर कुकर सोलर गीजर्स आर यूज़ टू प्रोड्यूस सोलर एनर्जी और उससे हम एनर्जी कैसे ड्राइव कर रहे हैं आपने देखा होगा कि सोलर कुकर्स और सोलर पैनल्स छतों पे या रोड पे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें लगे रहते हैं उससे एनर्जी बनती है और फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जल, लाइट जलाने के काम आती है सोलर कुकर में खाना बनाया जाता है तो ये सब इसके यूज़र्स हैं वी यूज़ सोलर एनर्जी इन आर डे टू डे लाइफ भाई सूरज की रोशनी तो हम सभी हर तरह से किसी ना किसी तरह से यूज़ कर रहे हैं वी ड्राई और क्लोथ्स इन द सन सूरज में हम अपने कपड़े सुखाते हैं द हारवेस्टिड ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन लाइट जो हारवेस्ट किया जाता है जो फसलें काटी जाती हैं वो सूरज में की रोशनी में सुखाई जाती हैं आफ्टर द रेन द ग्राउंड ड्राइज अप इन द सन और बारिश के बाद जो ज़मीन सूखती है वो कैसे सूखती है सूरज की गर्मी के ही वजह से सूखती होती है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सन लाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस सन लाइट इज़ वेरी असेंशियल फॉर द प्लांट और हम सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं सूरज की जो रोशनी है उसकी मदद से अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथिस के प्रोसेस में या हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो सूरज की रोशनी क्या है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए सबके लिए बहुत एसेंशियल है सोलर कुकर इज़ यूज़ टू कुक फ़ूड यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सन अब जो सोलर कुकर है वो किस चीज़ में यूज़ करा जा रहा है वो डिज़ाइंड है और वो सूरज की एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाते हैं अ सोलर गीज़र यूज़ज़ द सोलर एनर्जी टू हीट वाटर फॉर यूज़ इसी तरह से जो सोलर गीज़र्स हैं उनमें पानी गर्म किया जाता है सूरज की एनर्जी जो होती है उसमें ट्रैप करके उसमें हीट अप होता है और उसमें पानी को गर्म किया जा सकता है सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से जो ये सोलर एनर्जी है इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं सॉरी स्पेशल सोलर पैनल इज़ यूज फॉर जिसके लिए आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये सोलर पैनल्स हैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपने रोड पर भी या छतों पर लगे हुए बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके ऊपर लगे होते हैं स्ट्रीट लाइट के ऊपर भी अब बेसिकली लगने लगे हैं सो दे कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल सोलर सेल्स दी सेल्स चेंज द लाइट एनर्जी ऑफ द सन इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो इसमें बहुत छोटी छोटी सोलर सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उनको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देती हैं द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्रॉम द सन लाइट इज कॉल्ड द सोलर पावर और जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से सूरज की रोशनी को ट्रैप करके बनाई जाती है उसको कहते हैं सोलर पावर ऑल राइट चलिए आगे देखिए विंड एनर्जी क्या है विंड एनर्जी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में विंड मिल का एग्जाम्पल दिया था विंड एनर्जी इज़ इन अनदर रेन्यूएबल रिसोर्स तो ये भी क्या है रेन्यूएबल रिसोर्स है कभी ना ख़त्म होने वाला रिसोर्स है विंड ब्लोस ऑल द टाइम एंड कैन बी हार्नेस टू प्रोड्यूस एनर्जी हवा हर वक्त चलती है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए टू कैप्चर द पावर ऑफ विंड विन मिल्स आर यूज तो इसके लिए क्या यूज़ करे जाते हैं विंड मिल्स यूज़ करे जाते हैं हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी बड़े बड़े पिलर्स uh, होते हैं उसमें फ़ैन्स लगे हुए होते हैं वो विंड मिल्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू टर्बाइनस तो ये जो विंड मिल्स होते हैं ये नीचे के तरफ से टर्बाइन से कनेक्टेड होते हैं विच कन्वर्ट द एनर्जी

लिक्विड वाटर कैन बी यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अब जो पानी है उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हमको किससे मिल रही है पानी से मिल रही है उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी विच वी गेट फ्रॉम वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द डैम सॉर ये कहाँ से मिलते हैं ऊँचे ऊँचे डैम्स होते हैं उस पर से जब पानी नीचे की तरफ गिरता है तो यहाँ पर मोटर्स लगे होते हैं टर्बाइंस लगे होते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज लिमिटेड बट दिस इज कंसिडर don't एक्चुअली टेक द वाटर आउट ऑफ द सिस्टम टू get द electricity. तो जो अर्थ पे वाटर है वो लिमिटेड है लेकिन वो रेन्यूएबल है क्योंकि वो किसी सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जाता वो एक साइकिल है जो चलती रहती है तो इसके थ्रू जब डैम से पानी नीचे गिरता है वहाँ पे टर्बाइंस लगे होते हैं जो रोटेट होके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं अ डैम प्रोवाइड द एनर्जी फ्रॉम द मूविंग वाटर ऑफ द रिवर द एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर इज़ यूज्ड टू रन द टरबाइन विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो पानी में प्रेशर होता है उसकी मदद से टर्बाइंस मूव करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है आगे देखिए रेन्यूबल एनर्जी की एडवांटेजेस क्या हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं और आसानी से रिप्लेनिश हो सकती हैं आसानी से फिर से बन सकती हैं राइट right? और डिसएडवांटेजेस uh, क्या हैं जस्ट अ सेकेंड दे विल नॉट पल्यूट द एटमोसफियर दूसरी एडवांटेज क्या है कि ये मौसम को पल्यूट नहीं करती है डिसएडवाटेजेस क्या हैं डो नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन सफिशेंट अमाउंट इससे हमें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है राइट दे ऑफन डिपेंड ऑन द वेदर फॉर देअर सोर्स ऑफ पार फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी इज नॉट अवेलेबल ऑन द क्लाउडी एंड रेनी डेज और ये मौसम पे भी डिपेंड करता है भाई अगर सूरज ही नहीं निकलेगा तो हम सूरज की एनर्जी को कैसे यूज करेंगे राइट तीसरा पॉइंट देखिए दे आर कंपेरेटिवली कॉस्टलियर देन द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक कोल एंड पेट्रोल और सबसे मतलब जो बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये है कि इस तरह से एनर्जी को जनरेट करना बहुत महंगा पड़ता है इन कंपैरिजन विथ कोल एंड पेट्रोलियम चलिए आगे देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये हमारा लास्ट टॉपिक है तो अब इसी का उल्टा क्या हो जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन कॉन्ट्रास्ट जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस सॉरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज दे आर नॉट ईजली रिप्लेनिश बाय द इन्वायमेंट मतलब इन्वामेंट इसको आसानी से वापस से रिप्लेनिश नहीं कर सकता सम सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी कॉमनली यूज अब रीन्यबल नॉन रेन्यूबल के एग्जाम्पल क्या है कोल पेट्रोलियम और नैचुरल गैसेज इट टेक्स मिलियंस ऑफ एयर फॉर कोल पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैसेज टू फॉर्म तो कोल्ड पेट्रोलियम अगर ख़त्म हो जाएगा तो उसको वापस रिप्लिनिश होने में बरसों मिलियंस ऑफ एयरस लग जाएंगे इसलिए इसको नॉन रिनबल कहा जाता है दीज रिसोज़ कैन बी ईज़ली यूजड ऑफ एंड गेट फिनिश्ड ऑफ तो ये ऐसे रिसोसेज हैं कि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे दीज सोस ऑफ एनर्जी के नॉट भी रिप्लिनिश ईज़ली और दोबारा से ये बन नहीं सकते आसानी से द सोस ऑफ एनर्जी दैट डो नॉट लास्ट अ लॉन्ग टाइम इन कैन नाट भी रिप्लिनिश्ड ईज़ली आर कॉल्ड द नॉन रनबल सोर्स ऑफ एनर्जी इसी लिए वो सोर्स जो आसानी से ख़त्म हो सकते हैं और रिप्लिनिश नहीं हो सकते जल्दी उनको कहते हैं नॉन बल रिसोर्स वी शुड यूज़ दीज रिसोर्स केयरफुली and नॉट waste it. इसीलिए हमें इन सारे जो coal, पेट्रोलियम हैं इनको सही से यूज़ करना चाहिए इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए और लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना चाहिए आगे देखिए advantages क्या हैं दे आर कम्पेरिटिवली चीपर एंड ईज़ली अवेलेबल कोल और पेट्रोलीम क्या आसानी से अवेलेबल होता है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सोलर एनर्जी या विंड मिल से एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले इन कंपेरिजन विध कोल एंड पेट्रोलियम जो कि आसानी से मिलता है और सस्ता भी होता है दे कैन भी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट टू मच हैसिल और इसको हम ईज़िली दूसरी दूसरी जगहों पर ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इनको हम स्टोर भी कर सकते हैं ईजली से एंड दे आर अवेलेबल थ्रू आउट द एयर और बेस्ट चीज़ ये है कि किसी नेचुरल रिसोर्स पर नहीं डिपेंड करता मतलब सूरज नहीं निकला है मौसम ख़राब है तो वो काम नहीं हो पा रहा है एलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पा रही है ये प्रॉब्लम हमें नहीं होती है डिसडवाटेज़स क्या है डिसएडवानटज़ेस ये हैं कि अगर ये एक बार हमने इसको यूज़ कर लिया तो ये दोबारा हमको आसानी से नहीं मिल सकता है और ये पल्यूशन बहुत करते हैं रेन्यूबल रिसोर्स जो होते हैं वो इन्वॉर्मेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं उनसे हमें उनसे पल्यूशन नहीं होता और ये क्या है ये हाईली पल्यूटिंग है दे कॉज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ़ द एटमोसफियर और अल्टीमेटली जब क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है वातावरण में जो मतलब इन्वामेंट ख़राब हो रहा है तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ऑल right, तो अभी तक के हम लोगों ने जो भी सारी चीज़ें पढ़ी है ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम रैप अप कंप्लीट करेंगे और जो एक्सरसाइजेज़ हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे अगर आपको किसी को भी कोई कंफ्यूजन है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे